नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हमारे YouTube चैनल में दोस्तों विधाता का लिखा कोई पत्थर की लकीर भी नहीं मिटा सकती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी ही विशेष जानकारी आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। हाथ जोड़कर निवेदन है, इसे अकेले में देखना, वरना आपको इसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों हम बता दें कि विधाता हर चीज की रचना करने वाले हैं, इसी प्रकार विधाता का भी लिखा कोई भी नहीं बदल सकता है। दोस्तों हम आप सभी को यह बात बताना चाहेंगे कि आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर विधाता ने आप लोगों की किस्मत में कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं लिखी हैं जिन्हें सुनने के बाद आपके होश तोड़ेंगे, लेकिन इस समय परिवार में खुशियों का माहौल भी चमक जाएगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। लेकिन सर्वप्रथम जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करके सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्णा राधे राधे, हमारे परिवार का कल्याण करो अवश्य लिखिएगा। लगता है कि आप पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए थे, अच्छे काम किए थे, जिनका आपको यह समय फल मिल रहा है। इसी की वजह से हम आज इतनी बड़ी दुर्घटनाओं से, खतरों से बच निकले। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि यह देवता आपका रक्षा कर रहा है, आपके साथ चाय की तरह खड़ा है और आपका आप तकदीर भी बदल देगा। और आपको पता भी नहीं है कि भगवान आपके ऊपर इतना जल्दी मेहरबान कैसे हो गए। आप खुशी से झूम उठेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सपने में भी नहीं सोचे थे कि आपको इतना जल्दी इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। शायद भगवान की भी यही इच्छा है और आपको आपका दुखों से, परेशानियों से मुक्ति दिलवाएगा यह देवता। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, यह कौन देता है जो आपके साथ छाया की तरह खड़ा है और आपका रक्षा कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, और इसी वजह से आप ऐसे इंसानों को पहचान नहीं पाते हैं। यूं कह सकते हैं कि भगवान ने आपको वह चश्मा ही नहीं दिया है जिससे आपको ऐसे गंदे नियत वाले लोगों को पहचानने की क्षमता प्राप्त हो जाए। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज की इस वीडियो में हम आपको इस एक इंसान के बारे में सारी बातें विस्तार से बताएंगे, साथ ही साथ यह भी बताएंगे इसने कैसे आपकी जिंदगी को खराब किया है, आपकी मेहनत पर पानी फेर है। दोस्तों अब बहुत हो चुका है, अब आपको बिल्कुल भी सहन नहीं है। एक ही बात हम आपसे बार बार पिछले भी वीडियो में कह चुकी है, फिर से कह रही है कि इस इंसान से आप अपना पीछा छोड़ आई। इस बार हम इस इंसान के बारे में सब कुछ बताएंगे। यह कहां मिलेगा, इसकी राशि क्या है, इसका नाम क्या है और यह कैसी आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। अब इतने पर भी यदि आप नहीं समझते हैं और इससे पीछा नहीं छोड़ते हैं तो गलती केवल और केवल आपकी ही होगी। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको अंत में कुछ खास सावधानी अभी बताएंगे, तो आप आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। दोस्तों जिन लोगों की आदत होती है धोखा देना, उनके साथ आप कितनी ही सेवा क्यों ना कर लो, लेकिन वे लोग आपको धोखा देकर ही रहते हैं। कुछ ऐसे ही लोग आपके आसपास हैं। जी हाँ दोस्तों, अंत में हम आपको उनकी राशि में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं आज के महाराशिफल के बारे में, इन 3 दिनों की मां राशिफल के बारे में। भाग्य के चमकने के बारे में क्या आप जानते हैं कि तारों का एक विशेष सहयोग आपके जीवन में एक नई किरण लेकर आने वाला है। जी हाँ, आपकी राशि के जातक को आपके लिए यह समय खुशियों और सफलताओं का है। चलिए दोस्त, खान पान में सावधानी बार थे, पेट की तकलीफ है आम हो सकती है, और अगर सावधानी नहीं बढ़ती जाए तो कई लोगों को गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। व्यायाम हल्का करें या फिर आराम करें, अपने आप को नकारात्मकता से बचाए और खुद को विश्वास दिलाए कि आप भी नियमित व्यायाम से स्वस्थ और फिट रह सकते हैं। मिठाइयां और दही खाने की मात्रा कम करके आप अपनी सेहत को सुधार सकते हैं। ये सभी बातें आपका दिन को बेहतर बनाने के लिए हैं, इसलिए इन पर ध्यान दें और अपने दिन का आनंद उठाएं। अपने क्रोध को नियंत्रण में रखें, यह भावना आपके किसी प्रियजन पर उतर सकती है। आपके साथ ही कोई यह समझना जरूरी है कि यह आवेग केवल अतीत की अनशुल की भावनाओं का परिणाम है। अपने परिणामों में नीले रंग का तत्व शामिल करें जो भावनाओं को संतुलित करने में सहायक होगा।
यदि आप अपने कामकाज या आर्थिक उद्देश्यों में किसी विशेषज्ञ जानकार व्यक्ति से सलाह लेते हैं तो यह आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। आज का दिन इंजीनियरों और कंप्यूटर विशेषज्ञों के लिए शुभ रहेगा। नौकरी के नए अवसर या स्थान परिवर्तन की संभावनाएं हैं। रसोई घर में आज कुछ विशेष विवांजन बनने की उम्मीद है, इसलिए स्वास्थ्य और स्वच्छता का ख्याल रखें। मित्रों के साथ कोई गलतफहमी आज सुलझ सकती है। आपको अनपेक्षित धन लाभ की संभावनाएं भी हैं। आज आप अपनी आंतरिक भावनाओं पर चिंतन करेंगे और आपको यह अनुभव होगा कि परिवर्तन की आवश्यकता है। हालांकि इसके नकारात्मक प्रभावों को भी मत देना नजर रखें। अपनी आंतरिक शांति बनाए रखें। आज आप कई कार्यों में व्यस्त रहेंगे जिसके कारण छोटी छोटी बातों पर भी आपकी चिड़चिड़ाहट हो सकती है। इससे मुक्ति पाने के लिए खुद के लिए समय निकले और आराम करें। आज आपके आए हुए का संतुलन बनाना कठिन हो सकता है। एक दूसरी नौकरी या किसी अन्य आय स्रोत की खोज शुरू करें जो भविष्य में आपका मुख्य कार्य बन सकता है। इस बीच अपने जीवन शैली और खर्चों का संतुलन बनाए रखें। आज आपके परिवहन साधनों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जाना हो तो वैकल्पिक यातायात की व्यवस्था और बैकअप योजना बना ली। आपकी भीतरी उलझने आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन शांत रहे, यह समय भी भीग जाएगा। आपका कोई मित्र आपका स्वास्थ्य संबंधी जरूर का ध्यान रखेगी। आप एक साथ जिम शुरू कर सकते हैं या धरने जा सकते हैं। आपके और आपके साथी के बीच कुछ ऐसे मत, यह असहमतियां हो सकती हैं। इसे सुलझाने के लिए धैर्य रखें और बहुत अधिक मुद्दों पर चर्चा न करें। चुप रहना और शांति बनाए रखना आज का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। परीक्षा में उतरने के लिए आज का दिन उपयुक्त नहीं है, लेकिन यदि आप परीक्षा दे रहे हैं तो नकारात्मक विचारों को दूर रखें। आज पैसे उधार लेते हैं, इससे आपको धोखा मिल सकता है और संवेदनशीलता आपके अतीत के मतभेदों को सुलझाने में मदद करेगी। आप किसी पुराने मित्र या परिचित से मिल सकते हैं जो आपसी मतभेदों को भूलकर आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा। इसमें कुछ समझौता करने पड़ सकते हैं, लेकिन यह आपके लिए लाभकारी होगा। रोजाना एक का कॉफी आपके दिल के लिए उपयोगी है और मुलेठी की चाय आपके पेट की स्थिति को भी बेहतर बना सकती है। अगर आप चाय कॉफी की मात्रा बढ़ाते हैं तो पानी की मात्रा भी बढ़ा दें। शरीर के सभी अंगों के सुचारू कामकाज के लिए सप्ताह में काम से कम एक बार यह करना ना भूलें। अगर आप अपने संबंधों को व्यवस्थित करना चाहते हैं तो आज इसके लिए सर्वोत्तम दिन है। परिवार के मध्य अपनी भावनाओं को प्रकट करें और खुलकर बात करें। आपसी संवाद से आपके रिश्ते मजबूत होंगे और आपको आपसे समझ विकसित करने में मदद मिलेगी। अपनी वित्तीय स्थिति को संभालने के लिए बजट बनाना और उसका पालन करना महत्वपूर्ण होगा। संतुलन बनाए रखने से आपको भविष्य में वित्तीय स्थिरता प्राप्त होगी। अपने करियर में बढ़ोतरी के लिए आज के दिन नई अवसर की तलाश करें। नई दिशाओं में बढ़ाना और नए क्षेत्रों में प्रवेश करना आपके लिए फलदायी साबित हो सकता है। अपने कार्य क्षेत्र में नवीनता और रचनात्मकता का प्रयोग करें, इससे आपको नई ऊंचाइयां और सफलताएं प्राप्त होगी। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे और स्वस्थ आहार का सेवन करें। व्यायाम और नियमित शारीरिक गतिविधियां आपको ऊर्जावान और सक्रिय रखेंगे। अपने आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशील रहे और उनके साथ संयोगात्मक व्यवहार अपने यह आपके व्यक्तित्व रिश्तों को मजबूत करेगा। याद रखें, आज का दिन आपके लिए नहीं, शुरुआत और सकारात्मक बदलावों का है। इसका पूरा लाभ उठाएं और अपने जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह भर। आपके ग्रहों की शुभ स्थिति के चलते अपने सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है, जिसका असर आपके परिवार पर भी पड़ेगा। यह समय अपनों के साथ उल्लास के चरणों को साझा करने का है। आपका परिवार आपकी देखभाल और स्नेह देखकर आनंदित होगा। आज आपको एक कल्पेक्षिक स्रोत से आर्थिक लाभ होने की संभावना है। शेयर बाजार में भी आपको सफलता मिलने के असर है। आज किसी पुराने मित्र या परिवार के साथ बाहर जाने का यह उत्तम समय है। आपके लिए यह सलाम है कि आप उन्हें तरीकों पर भरोसा करें जो पहले भी आपके लिए लाभदायक रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आखिरकार कौन है वह लोग जो आपके पीछे पड़े हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं
अपनी वीडियो की इस टॉपिक पर कि यह इंसान कौन है। दोस्तों, आप याद करिए कि एक ऐसा इंसान आपकी आसपास है जो केवल और केवल अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है, आपको हमेशा भावों करता है, मगरमच्छ की आंसू बहता है और अपना काम निकलवा लेता है। जब एक बार आपसे भाई अपना काम निकलवा लेता है तो फिर वह मुड़कर आपकी या नहीं देखा है। जी हां दोस्तों, ये साथ रहते हुए भी आपका हमदर्द नहीं है, आपका साथ ही नहीं है। हालांकि यह ऐसा दिखावा अवश्य करता है, लेकिन आपका दिल जानता है कि यह इंसान झूठ बोल रहा है। आपने कई बार इसकी झूठ को पकड़ा भी है, आपके मन में कई बार ऐसा आया है कि इसे आप अपने पास से भगा दें, अब आप इसे कोई रिश्ता ना रखें, लेकिन आपने कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोरी दिखाई है और आप रुक गए हैं। शायद आपका दया भाव है कि आपको लगता है कि यदि आपने इसे छोड़ दिया तो इसका क्या, दोस्तों ऐसे लोग परजीवी की तरह होते हैं, जो की तरह होते हैं, यह दूसरों का खून चूसते हैं और तब तक चूसते हैं जब तक कि वह है मर नहीं जाता है। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना दोस्तों। हम आपको ऐसे इंसान के बारे में सब कुछ बताएंगे, इसकी राशि बताएंगे, हमने आपको इसकी पहचान संकट बता दिए हैं। यह इंसान पल पर झूठ बोलता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है, नकली भाव में प्रदर्शित करता है। अब आप इतने बुद्धिमान तो है कि आप नकली भावनाओं को आसानी से पकड़ लेते हैं। दूसरा सबसे बड़ी पहचान की पीठ के पीछे यह इंसान आपकी बुराइयां करता है, हमेशा आपकी बात काटने की कोशिश करता है। सामने से तो यह आपका बहुत अच्छा और सागा बनने की कोशिश करता है, लेकिन आपकी पीठ के पीछे आपकी हर जगह से जड़े काटने की कोशिश करता है। यह दोस्त, तो अब हम आपको बताते हैं इस इंसान का नाम। दोस्तों, इस इंसान का नाम या शब्द से शुरू होता है। दोस्तों, इस इंसान की राशि वृश्चिक राशि है, आपको सतर्क रहना है। इस इंसान से इंसान के नाम को अपने पता लगा लिया है, अब आप पहचाने कि यह कौन है। दोस्तों, पूरा नाम स्पष्ट तौर पर नहीं बताया जा सकता है, यह विधि के विधान के खिलाफ है। जी हां दोस्तों है, लेकिन किसी के साथ साथ हम यह भी कहना चाहेंगे कि जितने भी आपकी राशि के जातक हैं सबका एक ही दुश्मन नहीं होगा, यह तो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। हो सकता है कि आपके कर्मों के आधार पर, आपकी पिछले जन्मों के संस्कारों के आधार पर आपका सत्र कोई और हो, नाम बदल सकता है, राशि बदल सकती है, लेकिन गुण और लक्षण नहीं बदलेंगे। आपके ग्रह नक्षत्र तारे तो यही कह रही है, यह इस नाम का इंसान और इस राशि का इंसान आपका शत्रु है। अब हो सकता है कि आपके जीवन में इसका कोई दूसरा रूप हो, लेकिन इसके लक्षण संकेत वही होंगे। दोस्तों, इसे पहचानिए और इससे पीछा छोड़ाइए। दोस्तों, रिश्ते नाते जब वह उसे बनने लगे तो उन्हें ज्यादा लंबे समय तक नहीं धोना चाहिए, खास तौर से ऐसे समय पर जब आपके साथ रहकर आपको मिटाने की कोशिश करने लगे, तब तो उनसे पीछा छुड़ा लेने में ही भलाई है। और यही संदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता जी में दिया, महाभारत युद्ध में दिया। उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारी बातें अच्छी तरह से समझ में आई होगी, हमने उपाय भी आपको बताया है, यह उपाय भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली, जय मां बगलामुखी रक्षा करो अवश्य लिखें, एक बार नहीं तीन तीन बार लिख। दोस्तों, आपकी हर भावना माता दिख रही है, आपकी हर बात को माता ध्यान से सुन रही है, तो बस आपको अपने भाव को प्रबल बनाना है।